रहीम दास जी कह गए हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, लेकिन आप बताइए कैसा हो यदि जिले के सबसे बड़े कार्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था ना हो और शौचालय गंदगी से सराबोर हो। इतना ही नहीं, एक कागज डालने के लिए भी डस्टबिन में जगह ना हो और तो और परिसर में ही लाखों रुपए का स्क्रैप पड़ा सड़ रहा हो तो क्या कहेंगे आप। ऐसे ही दूरदर्शन से गुजर रहा नरसिंहपुर जिले का नरसिंह भवन जो कार्यालय है, देखिए ये रिपोर्ट। व्यवस्थापक की नाक के नीचे अव्यवस्था, कलेक्टर भवन में नहीं पीने का पानी, लाखों का स्क्रैप पड़ा खा रहा है जंग। नवागत कलेक्टर रोहित सिंह के सामने चुनौती। जी हाँ, ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं ये नरसिंहपुर के नरसिंह भवन की है, जिसमें जिले के जिलाधीश बैठकर कार्य करते हैं और जिले भर के अधिकारियों से लेकर जिले की आम जनता तक इस कार्यालय पहुंचती है। इस कार्यालय के नजारे जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इस कार्यालय की दुर्दशा की कहानी स्वयं बयां करते हैं। दरअसल इस कार्यालय में बीते 6 महीने से अधिक समय हो गया, तब से पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं। आम जनता की छोड़े यहाँ के कर्मचारी भी पीने के लिए बाहर से पानी की निजी कैन बुलवाते हैं, जबकि इस कार्यालय में तात्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा एक अत्याधुनिक आरओ प्लांट लगाया गया था। लेकिन कलेक्टर दीपक सक्सेना के तबादले के बाद वो आरओ प्लांट जो लाखों रुपए की लागत में लगा था केवल पीक दान बनकर रह गया। कारण ये कि उसे चालू ही नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, इस अत्याधुनिक आरओ प्लांट के अलावा 2 अन्य वाटर कूलर भी स्क्रैप में पड़े धूल खा रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय में शौचालय गंदगी से इतने सराबोर कि जिले के स्वच्छता अभियान की परतें आपको यहीं खुलती नजर आ जाएंगी। जरा अंदर चलिए तो फ्लोर पर रखी डस्टबिन इतनी लबालब कि आप एक कागज भी यहां नहीं डाल सकते। इस ग्राउंड की तस्वीरें देखिए तो आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कहीं हम ये किसी कबाड़ी की दुकान पर तो नहीं आ गए या फिर किसी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर घुसे हुए हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिला कलेक्टर कार्यालय का वो स्थान है जहां सालों से स्क्रैप इकट्ठा कर रखा गया है और इसके डिस्पोज करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि यदि स्क्रैप ही बेच दिया जाए तो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए पर्याप्त धनराशि आ जाएगी। लेकिन यूं कहें अधिकारियों की इच्छा शक्ति शून्य हो गई और उन्हें अपने कार्यालय से कोई लेना देना ही शेष नहीं रह गया। खनिज विभाग कहाँ से आ गया तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसी स्थिति अंदर है वैसी स्थिति बाहर बनी हुई है। तो हम जिम्मेदारों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ देश व्यापक स्तर पे कोरोना जैसी व्यवस्था से और अन्य बीमारियों की परिस्थितियों से जूझ रहा है और इसमें साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां जिनके कंधे पे हैं वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिला मुख्यालय के महत्वपूर्ण नरसिंह भवन को व्यवस्थित और व्यवस्थित करने में अपना बेहतर समय दें, योगदान दें और मार्गदर्शन दें। फिर बच्चे को प्यास लगी थी, कैसा किया आपने? कुछ नहीं सर, प्यास ही जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए सर, कुछ तो होना चाहिए पानी की व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये कि बाजू में हम टंकी देख रहे हैं ये भी सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था इसमें की गई थी ये भी बंद पड़ी है।
तो होना चाहिए सर, इसके लिए भी चालू होना चाहिए। कलेक्टर, नए कलेक्टर साहब आए हैं, आप चालू करा देंगे सर? वो तो उनके ऊपर हैं, ऐसे तो बहुत से कलेक्टर आते और जाते हैं सर। जब इस मामले में हमने कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया यहाँ वर्तमान में हालात बहुत खराब है, गंदगी इतनी, काफी समस्याएं होती है और इसके लिए नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी को शीघ्र ही परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। लोग आते हैं तो उसमें कुछ वो दुर्गंध वगैरह फैलती है और बरसात में ये होता है कि कई बार पानी सेप्टिक टैंक की ऊपर ऊपर से सफाई हो जाती है, अंदर से नहीं होती है, तो कई बार वो पानी कार्यालय के अंदर तक आ जाता है, तो उस समय बहुत विचित्र स्थिति, बदबू होती है, तो जिससे काम करने में असुविधा होती है, कहीं पानी भी हमारा वेस्टेज हो रहा है। भाई देखिए, जल संरक्षण पे हम सभी काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन, तो ये इसको जो टोंटियाँ हैं उसके लिए हमने अधीक्षक से अनुरोध किया है, उनका ये कहना है कि भाई एक आध सप्ताह में हम इसको सुधार। जब हमने इस सारे मामलों में कार्यालय अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया हाँ यहाँ समस्या काफी दिनों से आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे और बुरे दिन आते हैं, शायद इसका मतलब साहब का ये था कि अभी कलेक्ट्रेट के बुरे दिन चल रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा वे जल्द ही इन समस्याओं का निदान कराने की कोशिश करेंगे और संभवतः निदान हो जाएगा। परेशान जो भी आते हैं, बंदूक है, गंदगी और जो बदबू है, उससे बड़े परेशान है ना, जब बोल देती है। अच्छा, वो जो पुरुष और महिला लिखा रहता, वो भी टूटे पड़े हुए नीचे। अब वो क्या है कि कलेक्टर जो है वो जनसाधारण का प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग ऐसे उदंत प्रवृत्ति के आते हैं, निकाल देते हैं। कुछ पानी बहता होगा, आप भी सुन रहे होंगे, लगातार पानी टपक रहा है मेरा, कितना वेस्टेज मानते हैं, दिखवा लेते हैं उसको, बोल देते हैं नाजर को। कलेक्ट्रेट अधीक्षक के द्वारा हमें बताया गया कि उन्होंने इसके लिए नाजरात यानी वो डिपार्टमेंट जो कार्यालय की देखभाल का जिम्मा उठाता है, मैं अधिकारियों को जानकारी भेजी थी। जब हम नाजरात पहुंचे तो प्रभारी अंकित वर्मा ने बताया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, अधीक्षक ने भी मुझे जानकारी भेजी थी, मैं शीघ्र व्यवस्थाओं को दिखवाता हूँ, जो भी उचित कार्रवाई आवश्यक हो गई उसको तत्काल कार्य रूप दिया जाएगा। नहीं, आप ये आप एक दिन की और समस्या समझ लीजिए, बस आज ही हमारा पूरा इंस्टॉलेशन पानी का हो जाएगा, कल से आपको उस चीज की शिकायत नहीं मिलेगी। तो टंकी भी साफ हो जाएगी? ट्रेजरी ऑफिस के सामने साफ़ी है वैसे भी, उसके लिए जो आप आरोप सिस्टम के लिए हमने नई टंकी इंस्टॉल करवाई हुई है सेपरेट, उसके लिए सर। नहीं, ये पुरानी जो टंकियाँ ऊपर लगी हुई हैं थर्ड फ्लोर पे, उन टंकियों के जब हालात देखे तो उसके में भी जो है ढक्कन नहीं, नहीं है, और ढक्कन के बाद गंदगी बहुत है। सफाई करवाई है मैंने अभी, पर उनमें ढक्कन ही नहीं है, ऐसे में कोई जीव जंतु यदि उनमें गिरता है तो कहीं ना कहीं वो चेक करा। कलेक्टर कार्यालय के हालात तो हमने आपको दिखा दिए कि किस कदर अव्यवस्थाओं का आलम बेपनाह हो चुका है, लेकिन अब नरसिंह धरा के नवागत कलेक्टर रोहित सिंह से भारी उम्मीदें हैं कि उनके आने के बाद कलेक्ट्रेट के हालात शीघ्र बदलेंगे, लेकिन देखना बस इतना सा है कि क्या सब पहले जैसा ही चलेगा या फिर एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फिरेगा। नरसिंहपुर से संवाददाता विवेक कुमार लोधी की रिपोर्ट।